Guys, in today's question, we have to find out by which method was a new breed called Hazardale of sheep formed by using Bikaneri ewes and Merino rams. So this is our question. So for this question, we should first know what is a breed. एक ब्रीड क्या होती है? ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और रेदर आई शुड से ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स. ठीक है, सिमिलर इंडिविजुअल्स मतलब इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, लाइक देयर कैरेक्टर्स, देयर एनाटॉमी, देयर स्ट्रक्चर, देयर लुक वाइज. सो दे आर लाइक अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स. ठीक है, और वन ब्रीड बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स. ठीक है, अब डॉग्स इज अ स्पीशी एंड डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स होती है. ठीक है, डॉग्स एक स्पीशी है और डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रीड. नाउ लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग नेमली आर, दे आर बेसिकली टू मेन processes in breeding and outbreeding. What is the basic difference? The basic difference between inbreeding and outbreeding is, जो inbreeding होता है, inbreeding में closely related species are mated. ठीक है, closely related species which have common ancestors up to 4 to 5 generations. ठीक है, वहीं पर जो outbreeding होता है, outbreeding practices involves मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड स्पीशीज. ठीक है, इट इन्वॉल्व मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स. नाउ लेट अस स्टडी दीज इन डिटेल. देखो, इन ब्रीडिंग के लिए, सो एज वी हैव सीन इन ब्रीडिंग दैट इट इन्वॉल्व मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विच ऑफ सेम ब्रीड. ठीक है, सेम ब्रीड के होना चाहिए एंड दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स अप टू 4 to 6 जनरेशन. ना होता क्या है इनब्रीडिंग में, इनब्रीडिंग में सेम सेम स्पीशी, जो सेम ब्रीड होता है, जो लाइक क्लोजली रिलेटेड ब्रीड होते हैं, उनको हम लोग मेटिंग करवाते हैं. तो उसमें होता क्या है, इट इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी. ठीक है, होमोजाइगोसिटी मतलब इट इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी. नाउ व्हाट इज होमोजाइगोसिटी, इट मीन्स द प्योर लाइन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, होमोजाइगोसिटी को एक तरह से हम प्योर लाइन बोल सकते हैं. मतलब सपोजिटली द पेरेंट्स जिनको हमने मेट करवाया, दे वर हिट्रोजाइगस. सपोज द पेरेंट्स आर हिट्रोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्स. ठीक है, नाउ जब हम इन दोनों को मेट करवाएंगे, और लेट्स से द पेरेंट्स वर होमोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर जेड. सो नाउ व्हेन दीज विल बी मेटेड, जब इनकी मेटिंग होगी, तो दीज विल गिव अस द स्पीशीज एज जेड जेड, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, कैपिटल जेड स्मॉल जेड एंड स्मॉल जेड स्मॉल जेड. ठीक है, सो दीज विल बी स्पीशीज. सो हियर वी कैन सी कि हमें होमोजाइगोस होमो जाइगोट्स मिले हैं यहाँ पे एज इन द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज होमोजाइगोसिटी. तो जैसे ही जितनी बार हम इन लोगों को मेट करवाते जाएंगे, उतनी बार इन लोगों में जो होगा होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज वॉट इज मेंट बाय होमोजाइगोसिटी. तो पहले तो क्या होता है ना, जो होमोजाइगोसिटी होती है, जो इनब्रीडिंग होती है, उससे होमोजाइगोसिटी होती है एंड इट इवॉल्व द प्योर लाइन. ठीक है, प्योर लाइन मतलब जो होमोजाइगोस कैरेक्टर्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे पर एज पर द इंडिविजुअल. ठीक है, नाउ दिस दिस ऑल्सो इंक्रीजेस इन द रेसेसिव कैरेक्टर्स. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, उन रेसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर्स अपने आप को ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, उन्हीं को हम रेसेसिव कैरेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, जो एफ टू जनरेशन में अपने आप को सिर्फ रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं, उन्हें हम रेसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं. तो रेसेसिव कैरेक्टर्स हम देखेंगे कि रेसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी इनब्रीडिंग में हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं. ओके, रेसेसिव कैरेक्टर तो बढ़ते ही है, बट साथ में इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सुपीरियर कैरेक्टर्स. ठीक है, सुपीरियर कैरेक्टर्स को भी इंक्रीज करने में इनब्रीडिंग हमें हेल्प करती है. नाउ ड्यू टू द इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो इनब्रीडिंग क्या करता है, इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी या फिर प्योर लाइन में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इट कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो डिजीज है, जो जो रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें डिजीज हो सकती है, दैट कैन ऑल्सो इवॉल्व. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो कि इनब्रीडिंग की वजह से कॉज होता है.
सो दिस वॉज ऑल अबाउट इनब्रीडिंग. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स आउटब्रीडिंग. नाउ आउटब्रीडिंग आर ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड्स. ठीक है, आउटब्रीडिंग तीन टाइप्स के होता है. द फर्स्ट वन इज आउटक्रॉसिंग, द नेक्स्ट वन इज क्रॉस ब्रीडिंग, एंड द लास्ट वन इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, आउटक्रॉसिंग में क्या होता है, आउटक्रॉसिंग में सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स को मेट करा जाता है. ठीक है, मेटिंग ऑफ सेम इंडिविजुअल, सॉरी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन. ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन आउटक्रॉसिंग. एंड अ सिंगल आउटक्रॉस में ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है, एक सिंगल आउटक्रॉस की वजह से इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. लेट अस मूव टूवर्ड्स क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, डिफरेंट ब्रीड्स होती है. ठीक है, मतलब डिफरेंट ब्रीड्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट द ब्रीड्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज. सो जो स्पीशीज होती है, द स्पीशीज इज सेम बट मेटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड इन दैट सेम स्पीशीज. ठीक है, मतलब मेटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड ऑफ अ सिमिलर स्पीशीज. होता क्या है, इसमें सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनादर ब्रीड ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड दैट द स्पीशीज इज द सेम, जस्ट द ब्रीड्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज आर डिफरेंट. तो इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जहाँ पे सुपीरियर, जहाँ पे शीप का सुपीरियर मेल विच इज मरीनो रैम्स. ठीक है, जो मरीनो रैम्स होते हैं, मरीनो रैम्स आर मेटेड विथ बिकानेरी थीव्स. ठीक है, ये दोनों एक डिफरेंट ब्रीड्स हैं शीप के, इन दोनों की मेटिंग करवा के अ न्यू ब्रीड वॉज मेड विच वॉज कॉल्ड एज हजार्ड. ठीक है, दिस वॉज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप विच वॉज मेड इन पंजाब. कहाँ पे बनी थी ये, पंजाब में. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. सो एज द नेम सजेस्ट, इट इन्वॉल्व द मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज की मेटिंग करवाई जाती है इन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. इससे एक न्यू स्पीशीज बनती है, एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, विच हेल्प इन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफी होती है. ठीक है, एक ऐसा स्पीशीज डेवलप किया जाता है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफी ज्यादा होती है. ठीक है, इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है विच इज म्यूल. ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है विच इज हिन्नी. म्यूल में मेल डोंकी वॉज क्रॉस्ड विथ और वॉज मेटेड विथ फीमेल हॉर्स. ठीक है, एंड हिंदी में मेल हॉर्स वॉज मेटेड विथ और वॉज क्रॉस्ड विथ फीमेल डोंकी. ठीक है, वॉट वॉज द मेल डोंकी कॉल्ड, मेल डोंकी वॉज कॉल्ड एज जैक, वेयर इज द फीमेल डोंकी वॉज कॉल्ड एज जेनी, एंड द फीमेल हॉर्स वॉज मेल, मेल हॉर्स वॉज मेल, एंड द मेल हॉर्स वॉज स्टेलियन. ठीक है, तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ म्यूल एंड हिन्नी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज को मेटिंग करवा के एक नई स्पीशीज बनाई जाती थी. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर ऑप्शंस विद अ पर्टिकुलर टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन. वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट दैट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अ न्यू ब्रीड कॉल्ड एज हजार्डेल वॉज ऑफ शीप विच इज अ ब्रीड ऑफ शीप वॉज मेड. ठीक है, इनको हमें पता चला कि मरीनो रैम्स और बिकानेरी ईव से हमने बनाया था, और इसमें मरीनो रैम्स जो थे वो सुपीरियर मेल्स थे और जो बिकानेरी ईव्स थी वो सुपीरियर फीमेल्स थी. ठीक है, सो और हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, दैट वुड बी क्रॉस ब्रीडिंग, क्योंकि हमने देखा है दैट इन ब्रीडिंग में इट वॉज
इनब्रीडिंग इन्वॉल्व क्लोज रिलेटेड स्पीशीज का, आउटक्रॉसिंग इन्वॉल्व सेम ब्रीड में बट विद नो कॉमन एंसेस्टर्स अप टू 4 to 6 जनरेशन. नाउ वी हैव नॉट सीन म्यूटेशनल ब्रीडिंग, सो वॉट इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग? म्यूटेशनल ब्रीडिंग इज समथिंग वेयर बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशन, बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन एन इंडिविजुअल, म्यूटेशन इन एन इंडिविजुअल. और म्यूटेशन को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं? म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस इन एन इंडिविजुअल वाया सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स या फिर रेज, ठीक है, रेज, फॉर एग्जाम्पल द रेडिएशन, ठीक है, जो रेडिएशन या केमिकल्स होते हैं इससे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वी कैन इंड्यूस म्यूटेशन विच कॉजेस चेंजेस इन देयर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. तो रेडिएशन फॉर एग्जाम्पल गामा रेज. सो म्यूटेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंज ला सकते हैं, और उससे क्या होगा, जो जो भी हम डिजायरेबल कैरेक्टर चाहते हैं वी कैन इंड्यूस द डिजायरेबल कैरेक्टर वाई आर म्यूटेशन इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है. द वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशनल ब्रीडिंग आर द फर्स्ट वन इज मंग बीन, और यू मे ऑल्सो कॉल्ड इज मूंग बीन, द नेक्स्ट वन इज भिंडी और द लेडी फिंगर, ठीक है. मूंग बीन में क्या किया था, फॉर अगेंस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द येलो मोजैक वायरस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द येलो मोजैक वायरस एंड अगेंस्ट द पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है. इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए मूंग बीन के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस किया गया था, और सिमिलरली भिंडी में फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट येलो मोजैक वायरस एक न्यू स्पीशीज ऑफ भिंडी बनाई गई थी विच वॉज कॉल्ड एज प्रभानी क्रांति, एंड द जीन दैट वॉज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द येलो मोजैक वायरस वॉज टेकन फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज ऑफ भिंडी एंड दैट वॉज ट्रांसफर्ड टू द पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ भिंडी एंड देन अ न्यू वैरायटी वॉज मेड विच वॉज कॉल्ड एज प्रभानी क्रांति. सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वॉज यूजफुल एंड यू अंडरस्टूड द डिफरेंसेज बिटवीन द डिफरेंट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है. ओके, थैंक यू.